तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रजिस्टर करना? तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में हम किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। तो बहुत ही आसान तरीके से रजिस्टर मैं सिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो आप वीडियो एंड तक देखते रहिए दोस्तों। क्या क्या करना है, आप एक एक स्टेप को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप करें। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को यहाँ से ओपन करना है दोस्तों। इसके बाद सिंपल से यहां पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लिखकर आपको यहां से सर्च करना होगा दोस्तों। आप जैसे ही यहां पर गाइस मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लिखकर सर्च करोगे तो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी आपको। इस पर आपको दोस्तों यहां पर से क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर से क्लिक करोगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज यहां पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। अब यहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों, आपको यहां पर साइड में ऊपर तीन लाइनिंग देखने को मिलेंगी दोस्तों। इन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो सबसे नीचे आपको एक न्यू लिखा हुआ आएगा और अभ्यर्थी पंजीयन कर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसके दिशा निर्देश यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा है, कृपया पंजीयन फॉर्म भरने से पूर्व नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यान अनुसार इनको पढ़ें। इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है। समग्र आईडी में पंजीयन मोबाइल एवं ईमेल सक्रिय उपलब्ध होना चाहिए। समग्र पोर्टल पर आवेदक का आधार ईकेवाईसी किया जाना आवश्यक है। यहां ईकेवाईसी का आशय समग्र पोर्टल पर आधार डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान है। समग्र आईडी में ईकेवाईसी करवाने एवं चेक करने हेतु समग्र पोर्टल पर जाएं। समग्र पोर्टल पर ईकेवाईसी के पश्चात स्टेटस अपडेट होने में सामान्य 24 घंटे लगते हैं। अभ्यर्थी पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें। अभ्यर्थी योजना अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं आईटीआई डिप्लोमा की जानकारी दर्ज करें। इसके लिए संबंधित अंक सूची की सॉफ्ट कॉपी, अधिकतम आकार इसका 500 KB, प्रकार केवल PDF तैयार रखें। बैंक खाता आधार लिंक एवं DBT सक्रिय होना चाहिए। स्टाइपेंड आपके आधार लिंक बैंक खाते में ही प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों, योजना में पात्रता की शर्तें क्या हैं। योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक होगी, जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हों और जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI उत्तीर्ण या उससे उच्च हो। ठीक है ना दोस्तों, ये सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है योजना संबंधित निर्देश जानते हुए यहाँ क्लिक करें। ओके दोस्तों, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा जो यहाँ पर टिक है, मैंने योजना का अवलोकन कर लिया है और मैं इस योजना की पात्र रखती हूँ। इसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। इस पर आगे बढ़ने पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर आ जाओगे दोस्तों। यहाँ पर पंजीयन फॉर्म कर यहाँ पर कॉलम आएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना समग्र आईडी दर्ज करें। मैं आपको अपनी समग्र आईडी दर्ज करनी होगी दोस्तों, बिल्कुल सही से। इसके बाद दोस्तों, जो मैंने आपको अभी गाइडलाइन पढ़कर बताई उनको आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करना है। बिल्कुल सही सही चीज़ें भरना है। कैप्चा कोड जो ऊपर दिया गया है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो सत्यापित करने का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सब कुछ करने के बाद, इसके बाद दोस्तों अब क्या होगा, आपको यहाँ पर एक दूसरा पेज आता हुआ दिखाई देगा। समग्र आईडी की पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर नीचे आना है दोस्तों, और यहाँ पर आपकी मैं OTP प्राप्त करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर SMS या WhatsApp के माध्यम से आप एक OTP यहाँ पर मंगवा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपकी पूरी डिटेल्स वो यहाँ पर आ जाएंगी दोस्तों ओपन होकर। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है दोस्तों। ईमेल आईडी भी आपको बिल्कुल सही वाली डालनी है दोस्तों। यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के बाद OTP आएगी, और अगर OTP यहाँ पर आपके पास नहीं आती तो आप स्पैम बॉक्स को चेक कर वहाँ से OTP देख सकते हो दोस्तों। बाकी इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे दिए तीनों लाइनों को पढ़कर यहाँ पर चेक कर सबमिट यहाँ पर से आपको कर देना होगा दोस्तों। अब जैसे ही यहाँ पर इनको चेक कर पढ़ने के बाद इसको सबमिट करोगे दोस्तों, सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक और ऑप्शन निकल कर आएगा जो कि इस तरह का लिखा हुआ है, पंजीयन उपरांत प्रोफाइल पूर्ण करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों, इस पूरे को आपको पढ़ लेना होगा। यहाँ पर एक प्रक्रिया लिखी हुई है दोस्तों, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर से इसको आगे बढ़ना है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएंगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर से
इसको पूरा आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है दोस्तों, तो जो भी आप अपना आईडी पासवर्ड बनाना चाहो आप यहाँ से बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे क्लिक कर इससे आगे बढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर आईडी पासवर्ड को बनाकर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पर टैब खुलेगी जहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज करना है। जी हाँ दोस्तों, पासवर्ड यहाँ पर एक बार बना लिया, अब आपको चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद दोस्तों चेंज पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करना है, जो कैप्चा है कैप्चा भी भर देना। इसके बाद चेंज पासवर्ड आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो इसके बाद एक अलग पेज पर यहाँ पर आएंगे जहाँ पर आपको दोस्तों अपनी खुद की जो आपकी चॉइसेस है वो यहाँ पर फिलअप करनी है दोस्तों। जो भी आप चाहते हो वो सब लिखा हुआ आपको मिलेगा, आपको अपनी चॉइसेस के हिसाब से ऑप्शनों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों जहाँ पर आप रहते हो वो मध्य प्रदेश वगैरह वो सब डिटेल आप भर सकते हो खुद। तो दोस्तों इसके बाद ऐसा लिखा आएगा, प्रिय अभ्यर्थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक संरक्षित कर ली गई है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक उससे कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।